Hey, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on your favorite channel, Day Classes. तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आशीष सर आ चुके हैं आप सभी को पढ़ाने के लिए, आप सभी को बताने के लिए, आप सभी को सिखाने के लिए. आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, ये है क्या है प्रीपोजिशन, है ना. प्रीपोजिशन पर है. बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया था, बहुत सारे विद्यार्थी रिक्वेस्ट किए थे सर प्रीपोजिशन का वीडियो बनाइए ना. तो प्रीपोजिशन आप सभी के रिक्वेस्ट पर आशीष सर आए हैं आज प्रीपोजिशन का वीडियो लेकर के आप सभी को सिखाने के लिए. अंडरस्टैंड, सीखना है ना. तो सभी के सभी विद्यार्थी, सभी के सभी स्टूडेंट, आप सभी लोग अपने कॉपी पेन डायरी को लेकर के बैठ जाइए आज का जबरदस्त क्लास करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? कहाँ यूज होता है? कैसे यूज होता है? बहुत सारी बातें. तो आज आप अपने आप को एकदम छोटा सा बच्चा बना लीजिए. आज का प्रीपोजिशन का क्लास हर एक विद्यार्थियों के लिए है, हर एक विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो मिडिल क्लास के हों, चाहे वो कॉम्पिटेटिव के हों, चाहे एकेडमिक के हों, इंटरमीडिएट के हों, किसी भी क्लास के हों, सभी विद्यार्थियों के लिए आज का बेसिक क्लास है. एकदम जड़ से समझाने वाला हूँ, जड़ से बताने वाला हूँ. तो सभी लोग जुड़ जाए, फटाफट लेके अपने डायरी पेन को बैठ जाए. चलिए, तो पहले हम बात करते हैं सर प्रीपोजिशन के बारे में, थोड़ा बात करते हैं, है ना. क्या कहते हैं भाई, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा हमने, जैसे टेबल पर पेन है, टेबल पर पेन है. अंडरस्टैंड, हमने लिखा टेबल पर पेन है, बात समझ गए. तो हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है, है ना. तो ध्यान दीजिएगा, टेबल क्या होगा भाई, टेबल आपका नाउन हो गया. यहाँ पे पेन क्या होगा, ये भी आपका नाउन हो गया. और है क्या हो गया, आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. अंडरस्टैंड, बच्चा क्या, पर बच्चा पर. तो पर क्या है, बताइए पर क्या है? जी हाँ बिल्कुल, पर क्या है, प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन सर कैसे प्रीपोजिशन हुआ, क्योंकि यह नाउन को, दो नाउन को क्या करता है, रिलेट्स करता है, रिलेट्स है ना, रिलेट्स करता है, संबंध दर्शाता है. तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं, प्रीपोजिशन. अंडरस्टैंड, बात समझे ना. आगे की बात आपको बताते हैं बहुत ही खास. तो पहले प्रीपोजिशन होता क्या है हमने आपको बता दिया, चलिए आगे की बात करते हैं. अब सर क्या होता है प्रीपोजिशन, जैसे हम लिखा प्रीपोजिशन, 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 ठीक है. अब प्रीपोजिशन में क्या होता है सर, जैसे इसको जैसे हम ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक में आता है, इसमें एक आता है प्री. प्री माने होता है पहले, क्या होता है भाई, प्री माने क्या होता है, पहले होता है. और होता है पोजीशन, क्या होता है, पोजीशन होता है, पोजीशन, पोजीशन माने होता है स्थिति, क्या होता है, स्थिति होता है. और स्थिति पोजीशन को भी दो भाग में डिवाइड किया गया, क्या भाई, पोजीशन यदि है तो वो हो सकता है प्री हो सकता है, प्री माने पहले, है ना, पहले होता है. पोजीशन एक पहले भी हो सकता है और एक पोजीशन पोस्ट भी हो सकता है. पोस्ट, पोस्ट माने होता है बाद में, क्या होता है भैया, बाद में होता है. अंडरस्टैंड, तो स्थिति जो होती है, जो स्थिति होती है वो कैसी हो सकती है, पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है. जैसे हमने लिखा टेबल पर, क्या लिखा भाई, टेबल लिखा हमने, टेबल पर, टेबल पर. तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे नाउन आ गया, नाउन के बाद क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, आया ना. नाउन के बाद क्या आया, प्रीपोजिशन. क्या है सर, ये हिंदी है, हिंदी, ये हिंदी है. तो हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे पोस्ट पोजिशन, क्या बोलेंगे, पोस्ट पोजिशन. बट इंग्लिश में क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश बनाएंगे तो क्या हो जाता है, कैची, कैची बन जाता है. तो क्या हो जाएगा, पर का ऑन हो जाएगा, टेबल हो जाएगा यहाँ पे. अंडरस्टैंड, ऑन टेबल, ऑन टेबल. अब ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका नाउन हो गया, यहाँ पे हो गया प्रीपोजिशन. तो क्या इसके पहले आ गया, तो इसे बोलते हैं प्रीपोजिशन. अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं, प्री माने पहले, नाउन के पहले आता है उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन. तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन का जन्म यहीं पे हुआ, यहीं पे. अंडरस्टैंड, बात समझ गए ना. तो हिंदी में क्या बोलते हैं, पोस्ट पोजिशन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन. बात समझे, हिंदी सीधा बनाते हैं, टेबल पर, जमीन पर, छत पर, मेज पर. अंडरस्टैंड, बात समझ रहे हो ना. लेकिन जब उसका इंग्लिश आप बनाएंगे तो इंग्लिश हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, पीछे से बनता है. पर का ऑन हो गया, यहाँ पे टेबल हो गया. जैसे हमने लिखा जमीन पर,
जमीन पर, तो ये क्या हो गया, ये से बोलेंगे पोस्ट पोजिशन, लेकिन जब इसका आप इंग्लिश बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ऑन ऑन लैंड, क्या बोलेंगे, ऑन लैंड बोलेंगे, ऑन अर्थ बोलेंगे, बात समझ गए। सिर्फ अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है, इसको समझिए, उसके बाद सारे के सारे क्लास आज बेसिक एकदम आपका क्लियर कर देंगे इस वीडियो में, अंडरस्टैंड। तो बातें इतनी समझ में आई ना, समझ में आई तो स्क्रीन शॉट लीजिए, बात करते हैं आगे की। सेंटेंस हमने शुरुआत में लिखा था ना, फिर लिख रहे हैं आपके लिए, क्या लिखा था हमने, टेबल टेबल पर, टेबल पर पेन है, टेबल पर पेन है। हमने क्या कहा था भाई, हमने कहा था कि इंग्लिश हमेशा उल्टा बनता है, पीछे से बनता है आगे की ओर, अंडरस्टैंड। तो क्या बनाएंगे आप, बनाएंगे इधर बनाएंगे इसको, क्या बनाएंगे, द पेन इज, फिर क्या बनाएंगे, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, आप बात समझ गए। तो यहाँ पर जो ऑन लग गया ना, ये पेन को और टेबल को क्या कहा, रिलेट्स करा, रिलेट्स। तो क्या, व्हाट डू मीन, क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, क्या कहेंगे भाई, तो कह सकते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू नाउन, बिटवीन टू सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। क्या, यानी जो प्रीपोजिशन होता है वह दो नाउन के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक, इस्टैब्लिश करता है उनके रिलेशन को, इस्टैब्लिश करता है। तो यहाँ पे हुआ ना, इसके रिलेशन को इस्टैब्लिश कर रहा ना, बात समझ गए। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन, बात समझ गए। तो एक लाइन पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, वर्ड विच इज यूज्ड टू, विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन टू नाउन्स, बिटवीन टू नाउन्स, अंडरस्टैंड। क्या कहा हमने, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, टू नाउन्स, क्या भाई हमने कहा, टू नाउन्स, टू सब्जेक्ट के बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, रिलेशन को बढ़ाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन, बात समझ गए ना, एकदम जड़ से आपको बता रहे प्रीपोजिशन जन्म कहाँ से लिया, तो प्रीपोजिशन कैसे होते हैं हमने आपको बताया। चलिए आगे की बात करते हैं, ये प्रीपोजिशन के बारे हमने बताया आपको, डेफिनेशन भी हमने आपको लिखा दिया, अब बात करते हैं पोजिशन आप प्रीपोजिशन, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था, सर प्रीपोजिशन लगता कहाँ है, क्या शुरू में लगता है, क्या लास्ट में लगता है, क्या शुरुआत में या बीच में लगता है, तो कैसे लगता है, तो इसके लिए आपको हेडिंग डालना पड़ेगा पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो लिख लीजिए फटाफट, क्या लिखेंगे भाई, पोजिशन, पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, अंडरस्टैंड, पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन की स्थिति क्या है, कैसे होती है, शुरू में, बीच में, लास्ट में कहाँ होती है, सारे प्रश्न का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, देखते रहिए, पूरा देखिए, पूरा लिखिए, सीखते रहिए। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें भाई, क्या कर रहा है, तो जो प्रीपोजिशन होता है ना, जो प्रीपोजिशन होता है, एक बात समझ लीजिएगा, प्रीपोजिशन हमेशा क्या करता है, सब्जेक्टिव केस को नहीं लेता, किसको नहीं लेता भाई, सब्जेक्टिव केस को कभी नहीं लेता, वो हमेशा किसको लेता है, वो हमेशा लेता ऑब्जेक्टिव केस को, अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्टिव केस को लेता है, यानी कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आता है, बात को ध्यान देना, यदि कंपटीशन निकालना है तो बात को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं आप, फटाफट एग्जांपल देख लीजिए, क्या हमने कहा भाई, पहली बात है हमने कहा, ही हैज कंप्लेंड, ही हैज कंप्लेंड, ही हैज कंप्लेंड अगेंस्ट राम, अगेंस्ट
राम एंड आई, आपको बताना है कौन सेंटेंस सही है, विच इज राइट विच इज रॉन्ग, आपको बताना है। सेकेंड हमने दिया आपको ही हैज कंप्लेंड कंप्लेंड अगेंस्ट अगेंस्ट राम एंड मी, है ना। चलिए बताइए भाई कौन सेंटेंस सही। हमने क्या कहा कि प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस को लेता है। तो क्या पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा? तो पहला वाला गलत हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों? कि राम भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आई भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज राइट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे राम भी सब्जेक्ट है और मी भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड लिया ना, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर कि राम का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो राम का यानी जितने भी नाम होते हैं ना उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसका सेम राम भी सब्जेक्ट है, राम भी ऑब्जेक्ट है। राम का रामू होगा क्या ऑब्जेक्ट? राम का सीता होगा क्या ऑब्जेक्ट? नहीं ना जी, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। तो हमेशा किसी भी नाम का ऑब्जेक्ट वही होता है जो सब्जेक्ट होता है। अंडरस्टैंड, बात समझ गए। वैसे प्रोनाउन, जितने प्रोनाउन हैं सबका ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। आई का मी होता है ना, वी का अस होता है, दे का देम होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर। अंडरस्टैंड, बात समझ गए? हाँ, लेकिन नेम जो होते हैं, नाउन जो होता है, नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। बात समझ गए? तो ये बात कौन सी सही हो जाएगी? सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। हम आपको क्या बता रहे, पोजिशन और प्रीपोजिशन। ये तो भी पहला पॉइंट है जी, तो पहला पॉइंट हमने आपको दिया, ये पहला पॉइंट है। चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। ढेर सारे पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट को नोट करिए और समझते रहिए। जहां भी कहीं समझ में ना आता हो ना तो कमेंट आपको जरूर करना है। सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हें बनवाइन बनियाइन वाले से कर रहा हूं, तुम्हें से कर रहा हूं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बिल्कुल। और वीडियो भी लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, सभी लोग को। सब पढ़े सब बढ़े। चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। क्या हमने कहा भाई, सेकेंड पॉइंट क्या करा है? सेकेंड पॉइंट करा है आफ्टर प्रीपोजिशन। क्या हमने कहा? आफ्टर प्रीपोजिशन जीरंड इज यूज्ड। क्या हमने कहा? जीरंड इज यूज्ड, है ना सर। क्या होता है जीरंड? हमने कहा प्रीपोजिशन क्या लेता है भाई? प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन कभी भी वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं लेता, कभी नहीं लेता। हमेशा क्या लेता है भाई? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी इसे बोलते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। तो जीरंड का मतलब क्या? वर्ब में यदि लग जाता है, वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो उसे बोलते हैं जीरंड बोलते हैं। तो कहने का मतलब प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेता है? वर्ब में आईएनजी लेता है। बात समझ गए? आईएनजी भी लेता है। एग्जाम्पल दूं आपको, प्रूफ देखो भाई। हम आपको एग्जाम्पल ले रहे हैं फटाफट। देखिए एग्जाम्पल क्या करा है। आफ्टर रीचिंग, आप नहीं बोलते हैं आफ्टर रीचिंग होम जस्ट कॉल मी, यानी घर पहुंचकर क्या करना, तुरंत मुझे कॉल करना। तो देखो आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और रीचिंग क्या हो गया ना, जीरंड हुआ ना, मेनो में क्या लग गया, आएंगे लगा ना, लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा। तो आफ्टर रीचिंग होम जस्ट कॉल मी, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, चलिए आप सभी के लिए एग्जाम्पल। हम लिखा आई अब्सटेन, हमने कहा आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, है ना। क्या लिखा भाई? आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। यहाँ पे आया ना, फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है, इसके बाद आया ना स्मोकिंग, आईएनजी लगा ना, और तो अब्सटेन माने क्या होता है? परहेज। क्या होता है भाई? परहेज होता है, यानी हम क्या कर सकते हैं, मुझे नशा करने से परहेज है, मुझे सिगरेट पीने से परहेज है। तो ये हो गया ना, ये सेंटेंस जबरदस्त सेंटेंस है, आप इसे बोल सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को स्ट्रांग कर सकते हैं। प्रीपोजिशन में बहुत सारे स्पीकिंग में आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की।
ओके, एक एक यूज पढ़ाऊंगा। आप सोच रहे हो ना सर इनका, ऑन का, आपका, यूज पढ़ाइए सर। बिल्कुल यूज, पहले आप स्थिति तो समझ लीजिए, उसके बाद एक एक का क्लास लूंगा, इसी वीडियो में लूंगा। जाना नहीं है कहीं और सब्सक्राइब कर दो ना फटाफट। चलिए बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की, पोजीशन आप प्रीपोजिशन में। पॉइंट नंबर थर्ड क्या करा भाई, करा है थर्ड पॉइंट को ध्यान से आप लोग समझिएगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन सेंटेंस के, सेंटेंस के शुरू में, शुरू में, बीच में, बीच में और लास्ट में आता है, लास्ट में आता है। बात समझे मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा जो प्रीपोजिशन वर्ड है ना, जो प्रीपोजिशन वो कहाँ आता है? सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। तो जो विद्यार्थी कमेंट किए थे सुन लो, ध्यान से लिख लो इसको। क्या कहा? तीनों जगह आ सकता है, शुरू में, बीच में, लास्ट में। शुरू में, बीच में, लास्ट में, तीनों जगह आ सकता है। कैसे सर? एग्जाम्पल, वाओ, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल फटाफट। पहला हमने एग्जाम्पल क्या कहा? पहला हमने एग्जाम्पल दिया आपको ऑन रीचिंग होम, ऑन रीचिंग होम है ना, ऑन रीचिंग होम, ऑन रीचिंग होम ही रोट अ लेटर। क्या लिखा? ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचकर ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखा। तो यहां पे क्या आ गया भाई? ऑन आया ना, कहां आ गया सर? शुरू में आ गया, शुरू में आ गया। बात समझ गए? शुरू में आ गया। एग्जांपल और लीजिए ना खचाखच, बहुत सारे एग्जांपल। ही सैट ऑन द चेयर, क्या बोलेंगे? ही सैट ऑन द चेयर, ऑन द चेयर कहाँ आ गया सर? बीच में आ गया। किसके पहले आ गया? नाउन के पहले, है ना। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आता है। किसके पहले सर? नाउन के पहले आता है। तो क्या हो गया? नाउन के पहले आ गया। और एग्जाम्पल ले आपको, एग्जाम्पल दीजिए, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग, और तुम क्या देख रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग एट, एट क्या है? एट इज अ प्रीपोजिशन, एट इज अ प्रीपोजिशन है ना। यहाँ पे प्रीपोजिशन लास्ट में आया, यहाँ पे बीच में आया, और यहाँ पे शुरू में आया। बात समझ गए? तो एक एक एग्जाम्पल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और आप हजारों हजारों बनाइए और अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कीजिए आशीष सर के साथ। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अभी जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखते रहिए। चलिए बात करते हैं, आप इंतजार घड़ियां खत्म हुई, अब बात करते हैं यूज की। किसकी यूज की बात करेंगे? आप यही चाह रहे थे ना सर यूज पढ़ाई, यूज। तो अभी हमने आपको जो बताया कि प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन की स्थिति, पोजीशन क्या होती है, कहाँ लगता है, कहाँ लेता है, क्या लेता है, क्या नहीं लेता है, सारी बातें बता दिया। अब यू आर फ्री, आप क्या स्वतंत्र हो, आराम से बैठो। अब हम आपको यूज पढ़ाएंगे, यूज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है ना। इसमें आप पढ़ेंगे इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, आपका प्रयोग, बिफोर का प्रयोग। आप बहुत सारे अनलिमिटेड प्रीपोजिशन है जिसका यूज करके अपनी स्पीकिंग को स्ट्रांग करो, अपने एग्जाम को क्रैक करो है ना, और अपने नॉलेज को इंप्रूव करो। किसके साथ? विद आशीष सर। चलिए तो बात करते हैं क्या लिखेंगे। यूज ऑफ, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, अंडरस्टैंड। चलिए भाई यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन कौन सा, हम पहले तीन की बात करेंगे। कौन कौन बात करेंगे भाई, है ना। पहले वाले में हम बात करते हैं ऑन की बात करेंगे, एबव की बात करेंगे, और ओवर की बात करेंगे, है ना। तीन, हमने तीन प्रीपोजिशन वर्ड लिए हैं, ऑन, एवं, ओवर। इन तीनों का जो मतलब होता है, वो मतलब क्या होता है भाई? मतलब होता है पर कह सकते हैं या ऊपर कह सकते हैं, पर या ऊपर कह सकते हैं। बात समझ गए ना? पर या ऊपर, इन तीनों का अर्थ होता है। चलिए अब बहुत ही जबरदस्त एक फोटो बना रहा हूँ, फोटो से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा, और समझिए आपके आशीष सर हमेशा आपको समझा रहे रहते हैं। चलिए तो हमने क्या कहा भाई, हमने कहा एक वस्तु है, क्या है? एक वस्तु है, और वस्तु के ऊपर कोई वस्तु इस प्रकार से सटी हुई है। क्या हमने कहा? वस्तु के ऊपर कोई वस्तु से सटी हुई है। ध्यान दीजिएगा, प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्या हमने कहा? एक वस्तु है, यानी यह वस्तु क्या हो गई भाई? पहली वस्तु हो गई, और क्या हो गई? वस्तु हो गई दूसरी,
है ना, वस्तु दूसरी हो गई। लेकिन क्या हुआ हो सर, सटा हुआ हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु से सटा हुआ हो, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग, अंडरस्टैंड, ऑन का, यानी कहा जब एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु सटा हुआ हो तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा, अंडरस्टैंड, ऑन का प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा मेज पर किताब है, मेज पर किताब है ना, मेज पर पेन है, ठीक, हथेली पर कलम है, बात समझ गए, बात समझ रहे हैं ना, हमारे हमारे सर पे कैप है, टोपी है, तो बताओ क्या लगेगा सर वहाँ पे, हमेशा ऑन, क्यों, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु सटी हुई है, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु सटी हुई है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। द पेन इज ऑन द पाम, द पेन इज ऑन द पाम, पाम में हथेली होता है जी, ठीक, चलिए बात समझ गए ना। जैसे इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया पहली बातें, क्लियर ना, बात क्लियर हुई ना, नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट करना, कमेंट में सारी बातें क्लियर, ऐसे क्लियर तो हो ही जाएंगी, आशीष से आपको इजी वे में पढ़ा ही रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं सेकंड की, बात करते हैं एबव की सर, एबव की है ना, एबव की बात क्या करें भाई, कोई ऐसी वस्तु हो लेकिन जो दूसरी वस्तु हो एक दूसरे को टच ना किया हुआ हो, दूसरे को टच ना किया हुआ हो, तो क्या बोलेंगे उसको, वहाँ पे यूज करेंगे हम लोग एबव का, किसका सर, इस वहाँ पे एबव का यूज करते हैं, यूज एबव, एबव प्रीपोजिशन, एबव यूज होता है, इस समय एक वस्तु हो लेकिन दूसरी वस्तु टच ना की हो, उठी हुई हो, टच ना की हो लेकिन उठी हुई हो, तो वहाँ पे एबव का प्रयोग होता है। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, पंखा मेरे सर पर है, तो क्या पंखा आपको टच किया है, क्या टच नहीं किया है ना, तो आपका सर एक वस्तु, पंखा दूसरी वस्तु, लेकिन टच नहीं किया है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे एबव का प्रयोग करेंगे। एबव का फिगर को ध्यान से देखो, फिगर को आराम से आप समझ जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं जबरदस्त सॉलिड दे रहा हूँ आपको। चलिए तीसरे की बात करते हैं सर, ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जल्दी बताइए सर, ओवर का प्रयोग कहाँ, हमने कहा यहाँ पे लगाएंगे, एक वस्तु है लेकिन उसके ऊपर जो वस्तु है वो कम से कम दो तरफ से उसको क्या की हो, घेरी हुई हो, दो तरफ से घेरी हुई हो, है ना, उसके ऊपर दो से घेरी हुई हो, तो उसे बोलते हैं, वहाँ पे लगाएंगे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे भाई, वहाँ पे प्रयोग करेंगे ओवर का, किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे, ओवर का, अंडरस्टैंड। आप इसको फोटो ऐसे आराम से बना सकते हैं, ये आप ऐसे फोटो ऐसे बना सकते हैं, टच नहीं किया होना चाहिए, टच नहीं किया होना चाहिए, दो तरीके से कम दो तरफ से घेरा हुआ हो तो उसको बोलते हैं ओवर, है ना। जो सड़क होती है, सड़क को उसके ऊपर से पुल जाता है ना, पुल, तो सड़क दोनों तरफ से घेरी हुई है ना, तो बोलते हैं ओवर ब्रिज, क्या बोलते हैं, फ्लाई ओवर बोलते हैं ना, ओवर ब्रिज बोलते हैं ना, बात समझ गए, दो तरफ से कम घेरी हुई हो, कम से कम चारों दो तरफ से कम और अधिक से अधिक चारों तरफ से घेरी हो, नो प्रॉब्लम, ओके, लेकिन कम से कम दो तरफ से घेरा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको दे रहा हूँ उसका सेंटेंस, बनाएंगे ना आप लोग, फील करेंगे ना, कहाँ ऑन, कहाँ एबव, कहाँ ओवर, आपको बताना है। चलिए तो पहले की बात करते हैं, पहला क्या कर रहा भाई, देयर इज अ कैप, देयर इज अ कैप, हमने आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया, फिर लिखा हिज हेड, हिज हेड, हिज हेड, ठीक है। फिर हमने दूसरी बात आपको दिया, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक, बुक, देयर इज अ बुक, क्या लिखा भाई, द टेबल, द टेबल, ओके। फिर हमने तीसरी बातें आपको दिया, तीसरी बातें क्या दिया भाई, द फैन इज, द फैन इज, डॉट डॉट डॉट, फैन इज, अस लगा दिया, अस, ठीक है। फिर हमने आपको चौथी बातें दिया, चौथी क्या दिया भाई, द रूफ इज, द रूफ इज, डॉट डॉट डॉट, योर हेड, योर हेड, योर हेड दिया ना, बात समझ लिया ध्यान से, हमने आपको चार एग्जाम्पल दिए हैं, चार एग्जाम्पल में आपको बताना है, हमने आपको सेंटेंस क्वेश्चन दे दिया ना, आई चेक
योर माइंड, मैं आपको चेक कर रहा हूं, ध्यान दीजिए क्या करा, देयर इज अ कैप हिज हेड, तो कैप कहां होगी, सर पे होगी, तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, है ना, देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, है ना, क्या होगा, सर के ऊपर टोपी होगा तो टच किया होगा ना, तो क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, क्या होगा भाई, ऑन द टेबल, है ना, बुक जब होगा टेबल पर, बुक होगा तो सटा होगा ना जी, तो क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल, द फैन इज एबव अस, है ना, द फैन इज एबव अस, फैन क्या है, हम लोग के ऊपर है, द रूफ इज ओवर, द रूफ इज ओवर योर हेड, छत क्या है, छत आपके ऊपर है, तो जो छत है वो दो तरफ से क्या, चारों तरफ से घिरा होता है ना आपके, तो क्या लेंगे, छत का लेंगे ओवर, ओवर का प्रयोग करेंगे, बात समझ गए, तो आशीष सर आपको इस फोटो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप आशा करते हैं आप लोग जरूर समझे होंगे। चलिए बात करते हैं ऑन के, ओवर के, एबव के और सारे यूजेज, डीपली सुनिए, अब बेसिक क्लास खत्म, एडवांस क्लास स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लेते हैं ऑन का अदर यूज, एबव का अदर यूज पढ़ेंगे, फिर एबव का अदर यूज तो पढ़ना है, दो चार एडवांस क्लास ले लीजिए, आज यह प्रीपोजिशन का पार्ट वन है, ये तो अभी ट्रेलर है जी, ट्रेलर, सारे के सारे पिक्चर बाकी है। चलिए तो हम बात करते हैं ऑन के अदर यूज, जिसमें पहला बात क्या करता है भाई, पहला बात कर रहा है ऑन इज यूज ऑन इज यूज बिफोर डे एंड डेट, है ना, डे एंड डेट, क्या हमने कहा, यानी जो प्रीपोजिशन जो ऑन होता है ना, ऑन ये डे और डेट के पहले भी यूज होता है, डे और डेट के पहले क्या यूज होता है सर, ऑन यूज होता है, ऑन, अंडरस्टैंड। चलिए एग्जांपल ले लीजिए फटाफट, जबरदस्त एग्जांपल आप सभी के लिए, इंडिया बिकेम फ्री, क्या हमने कहा भाई, हमने कहा इंडिया बिकेम फ्री .. 15 अगस्त, अंडरस्टैंड। और एग्जांपल लीजिए, पहला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्या करा भाई, करा है हिज ग्रैंडमदर ऑन, क्या लिखेंगे भाई, डाइड मंडे, है ना, बात समझे, दो एग्जांपल हमने आपको दिया, दो हमने आपको कॉन्सेप्ट, मैं आपको कॉन्सेप्ट फुल्ली कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, आप समझिए और हजारों एग्जांपल सही कीजिए, अपने सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्या इंडिया बिकेम फ्री, डेट है ना 15 अगस्त के पहले क्या लगेगा, ऑन 15 अगस्त, है ना, हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन वेडनेसडे, आप कोई भी कह सकते हैं, डेट और डे के पहले हमेशा क्या लग जाता है सर, लग जाता है ऑन का यूज करते हैं, समझ गए ना, ऑन का अदर यूज लेना। चलिए आगे बात करते हैं, तो क्या कर रहा भाई, सेकेंड बात कर रहा है ऑन का यूज सरफेस के लिए, किसके लिए भाई, सरफेस के लिए करते हैं, अंडरस्टैंड, ऑन का यूज सर और कहाँ करते हैं, तो ऑन का यूज करते हैं सरफेस के लिए, तली के लिए करते हैं, तली ऑन द वॉल, ऑन द अर्थ, ऑन द टेबल, है ना, बात समझ गए, ऑन द अर्थ ये बात करते हैं। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल में पहला जो एग्जांपल आपका बनता है ऑन द वॉल, अंडरस्टैंड, सेकेंड जो एग्जाम्पल आपका बनता है क्या बनता है, ही इज हैंगिंग पिक्चर ऑन द वॉल, बात समझ गए ना, बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पे गलत कर देते हैं सर, वॉल आ गया तो एबव लगाए क्या, ओवर लगाएं क्या, ना जी ना, गलत हो जाएगा, क्या है, सरफेस है सरफेस, और सरफेस के लिए हमेशा किसका प्रयोग, ऑन द वॉल, वॉल के लिए हमेशा क्या, ऑन का प्रयोग होता है, तो यहां पर बात करें कि ऑन का यूज सरफेस के लिए भी करते हैं। ठीक, लेते हैं नेक्स्ट रूल,
तो चलिए ऑन का थर्ड रूल देखते हैं क्या होता है भाई। ऑन में आता है ऑन इज यूज्ड विथ क्लियर थॉट है ना, क्लियर थॉट यानी समाज सुधार के रूप में, यानी किसी भी समझौता को साफ करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने क्या कहा भाई, हमने यहाँ पे पहली बातें कर दी आपको, एग्जांपल में दिया सी हैज रिटेन अ बुक है ना, सी हैज रिटेन अ बुक ऑन सोशल बिहेवियर है ना, सोशल बिहेवियर यानी वो क्या की, वह एक बुक लिख रही है किसके लिए, सोशल बिहेवियर पर वह एक बुक लिख रही है। तो यहाँ पर भी क्लियर थॉट के लिए भी हम लोग किसका, ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का यही सब क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और विद्यार्थी रॉन्ग कर देते हैं, सवाल गलत कर देते हैं और वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आशीष सर के साथ हर एक चैप्टर एकदम क्लियर और इजी में है। यदि किसी विद्यार्थी का कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है ना तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकता है, ढेर सारा प्लेलिस्ट बनाया गया है आप सभी के लिए, अंडरस्टैंड। चलिए ये तो क्या आन का प्रयोग, आन का अदर यूज हमने देख लिया, अब बात करेंगे एबव का अदर यूज, अंडरस्टैंड। चलिए देख लेते हैं बात फटाफट क्या करा भाई, एबव की बात करते हैं अब हम लोग। एबव क्या कह रहा है, एबव का जो पहला यूज है ना कह रहा है, एबव का प्रयोग से ठीक ऊपर क्या हमने कहा भाई, एबव का प्रयोग से ठीक ऊपर या संख्या से ज़्यादा या अधिक दिखाने के लिए करते हैं। क्या हमने कहा, एबव का प्रयोग से ठीक ऊपर या संख्या से ज़्यादा या अधिक दिखाने के लिए करते हैं। अंडरस्टैंड एबव का मतलब क्या भाई, देख लो ना फटाफट एग्जांपल में। क्या हमने कहा एबव का मतलब क्या होता है भाई, हिज इनकम इज 30,000 क्या है भाई, मंथ है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, एबव लगाएंगे संख्या से ज़्यादा। हमने क्या कहा, हिज इनकम उनका जो आय है वो 30,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है, अधिक है, ज़्यादा है, बात समझे। तो हाँ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, एबव का प्रयोग करेंगे। आगे बात करें, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट ले लीजिए, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग द क्लाउड्स। क्या हमने कहा, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग यानी हवाई जहाज उड़ रहा है, क्लाउड्स एबव माने होता है ऊपर, एबव है ना, एबव द क्लाउड्स बादल के ऊपर उड़ रहा है। तो बात समझ गए ना, ये बातें यहाँ पर हो गई किसकी, यहाँ पे हो गई इससे ठीक ऊपर और यहाँ पे संख्या से हमने बता दिया, तो एबव का प्रयोग यहाँ भी करते हैं, हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी सर, ओवर की बात करते हैं, ओवर की करें ना, बिल्कुल करिए सर, बिंदास करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करें, हमें ऑन की बात कर लिया, एबव की बात कर लिया, अब बात करते हैं ओवर की, अंडरस्टैंड ओवर का भी यूज देख लेते हैं फटाफट। क्या हमने कहा, ओवर है ना भाई, ओवर का बात करते हैं, ओवर की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या करा है, ओवर की बातें, ओवर का यूज एज किसके लिए भाई, एज कमा टेम्परेचर मेजरमेंट
टेम्परेचर मेजरमेंट है ना, ताप मापने के लिए, एज के लिए करते हैं, और किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए करते हैं, ढकने के लिए, कॉमा के ऊपर कॉमा समूचा कॉमा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के लिए करते हैं समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। बात समझ गए ना, पहले बात को समझ लिए। ओवर का प्रयोग करते कहाँ कहाँ, हमने क्या कहा, ओवर का जो प्रयोग है वो एज के लिए करते हैं, नहीं बोलते ओवर एज है ना, ही लुक्स लाइक ओवर एज, वह क्या दिखता है भाई, ओवर एज दिखता है। टेम्परेचर मापने के लिए भी ओवर करते हैं, ओवर 30 डिग्री सेल्सियस, ओवर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, बात करते हैं। किसी प्लेस के आसपास के लिए करते हैं, किसी वस्तु को ढकने के लिए करते हैं है ना, के ऊपर समूचा के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को खत्म होने के अर्थ में करते हैं। बात समझ गए, तो ये पॉइंट है जहां जहां ओवर का प्रयोग करते हैं। अब ले लीजिए फटाफट एग्जाम्पल आप सभी लोग, क्या पहला एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं खटाखट। क्या पहला एग्जाम्पल कर रहा है, ही इज ओवर, क्या बोलेंगे, ही इज ओवर, ही इज ओवर 30 है ना, ही इज ओवर 30 मतलब वो 30 साल से ज्यादा के दिख रहे हैं, ओवर 30, ही इज ओवर 50, हुई इज ओवर 20। बात समझ गए, बात करते हैं ना ऐसे, अब सर ये तो ओवर एज दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एज के संदर्भ में किसका यूज, ओवर के यूज करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, द टेम्परेचर इज ओवर, द टेम्परेचर इज ओवर 30 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या कहा, द टेम्परेचर, ताप कितना है सर, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, अधिक है। टेम्परेचर मेजरमेंट में भी किसका प्रयोग, ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर क्या है सर, ओवर इज अ प्रीपोजिशन, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करा थर्ड एग्जाम्पल भाई, देयर इज एन अम्ब्रेला, क्या बोलेंगे, देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड है ना, क्या हमने बोला, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, यानी यहाँ पर ओवर आ गया किसके, अम्ब्रेला। जब आप अम्ब्रेला ऐसे लगाते हैं तो कम से कम दो तरफ से घेरा रहता है ना आपको, तो चारों तरफ से घेरा रहता है ना, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, ओवर का प्रयोग करते हैं, समूचा ओवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आप सबके लिए, क्या एग्जाम्पल करा भाई, इट इज कोल्ड ओवर हियर, इट इज कोल्ड ओवर हियर, यानी किसी प्लेस के आसपास है ना, किसी प्लेस के आसपास की देखने के लिए, टेम्परेचर के लिए, इट इज कोल्ड ओवर हियर, इधर आसपास क्या है, आसपास बहुत ठंडी है, इधर बहुत गर्मी है ना, बोलेंगे यहाँ वहाँ बहुत ठंडी है, तो यहाँ पर बात करेंगे ओवर की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोलते हैं, प्लीज बोलिए, प्लीज क्या बोलेंगे भाई, प्लीज है ना, प्लीज स्प्रेड्स द क्लॉथ्स ओवर द टेबल, क्या हमने कहा भाई, प्लीज सब स्प्रेड्स, कृपया फैला दो द क्लॉथ्स, कपड़े को यानी मेज पोस्ट को, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर, जब टेबल को आप करेंगे समूचा, किसके अर्थ में करते हैं भाई, समूचा यानी पूरे क्लॉथ्स को
समूचा फैला दो, जब फैलाएंगे तो क्लॉथ से क्या होता है, जो क्लॉथ जो मेज पोस्ट होता है वो चारों तरफ से मेज को घेर लेता है ना, थोड़ा थोड़ा नीचे होता है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। आज इसे एकदम डीपली आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा, ठीक है। तो इसके बाद और भी यूज करते हैं, ओवर ईटिंग है ना, ओवर ईटिंग, ओवर फीडिंग, ओवर लुक्स स्मार्ट, बोलते हैं ओवर, ओवर बोल रहे हो, बहुत ओवर तुम बोल रहे हो, बहुत क्या बोलते हैं ना, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, तो ओवर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, इन सभी सेंस में होता है, ठीक है। तो ये आपका जो क्लास आज का रहा, कैसा लगा, छोटा सा आज प्रीपोजिशन का पहला क्लास था, सभी विद्यार्थी पूरा देखें ना, पूरा देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट में एक बार फिर से कहेंगे, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने पूरे फ्रेंड्स में, हिंदुस्तान के बच्चे में वीडियो जाना चाहिए, सबको सीखना है, सबको पढ़ना है, सबको बढ़ना है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।